हेलो गाइस, सब सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं इवो क्रू। तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, पिछले एपिसोड में हम लोग फाइनली मेंटल एरिना के तरफ निकल गए थे। बट हम लोग को मेंटल एरिना से पहले एक सिटी मिला था, मतलब कहें तो एक ऐसा जगह जहाँ हम लोग को इस शहर के बारे में पता चला कि यहाँ 100 साल पहले एक वॉर हुआ था और वॉर में बहुत सारे खतरनाक चीज़ें हुई थी, मतलब काफ़ी लोग मारे गए थे। और ये गेम कैसे बना, मतलब इसका ओरिजिन पता चला था। तो जिसको जानना है, मतलब इस गेम की कहानी या इस वॉर के बारे में जानना है, तो जाके पिछले एपिसोड देख लो। और जिसने देखा उसका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लस हम लोग को पिछले एपिसोड में एक और चीज़ पता चला था, मतलब एक लेजेंडरी का जगह, बट मेरे को आई थिंक सो अभी मेरे को नहीं पता कि उसको कैसे एक्सेस करेंगे और उसमें से कैसे वो लेजेंडरी क्रू निकलेगा। बट ठीक है, हम लोग को कुछ ना कुछ ढूंढना है आई थिंक सो। तो या अभी हम लोग सीधा निकलते हैं मेंटल एरिना का तरफ, मतलब या मेंटल एरिना हमें जाना है। और पहले देख लेते हैं, मतलब या जैसे मैंने तुम लोग को पिछले एपिसोड में वादा किया था कि मैं इसको क्या बोलते हैं डार्क टाइप में इवॉल्व कर दूंगा, और मैंने इसको डार्क टाइप में इवॉल्व कर दिया है। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। इसका नाम नल डारा है, नल डारा भाई साहब इतना खतरनाक, और क्या ही बोलना। उसके बाद मैंने एक मेरे को क्या बोलते हैं टोम मिला था, जो आई थिंक सो हाँ जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था पिछले एपिसोड में, उधर ही मेरे को एक टोम मिला था, मतलब कहें तो एक अटैक मिला था। तो मैंने उसको ये अटैक भी सिखा दिया, डार्क टाइप अटैक था, मतलब यह शैडो मोल नाम का अटैक है। ये काफ़ी बढ़िया अटैक है, मतलब ये सामने वाले को ब्लीड डैमेज देता है, मतलब इससे बढ़िया और क्या ही होगा। मतलब या तो ये पॉइजन हो जाएगा या तो ब्लीड हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट अटैक लगा मेरे को इसका, मतलब या काफ़ी बढ़िया, मतलब डार्क टाइप इवॉल्व करने के बाद भाई साहब ये तो अलग ही लेवल जॉर्ड बंदा बन गया, मतलब क्या ही बोलना। ओके, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और मतलब लेवल अप किया, बिकॉज मेरे को रेंजर फर को भी लेवल अप करना था। और रेंजर फर ने भी फाइनली अपना अल्टीमेट अटैक टॉर्नेडो सीख लिया है। तो ये आपने को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बस अपना एक क्या बोलते हैं इसका नाम क्या था मैं भूल गया, इसका हाँ फर्नेस ही बस अभी तक बचा है, जिसको इन्हें अपना अल्टीमेट नहीं सिखा है, या मतलब वो भी सीख जाएगा मतलब धीरे धीरे। उसको भी आई थिंक सो 46 लेवल तक मेरे को मेरे हिसाब से सीख जाना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम लोग फर्स्ट फॉरनेस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं और किसी भी तरह मेंटल सिटी जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मेंटल सिटी में है हमारा अगला बंदा, मतलब कहें तो या हिंट या हमारे डैड के बारे में कुछ पता चलेगा। और प्लस हमें वहाँ के एरिना को भी हराना है। या ओके, आई एम लिंक मास्टर, आई शो यू। ओके, तो मैं लिंक का मास्टर हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके भाई साहब, लिंक का भी कोई मास्टर होता है? आई डोंट नो, ये लिंक का मास्टर बन के क्या ही कर लेगा, मतलब या भाई इवकर मास्टर सुना हूँ या किसी और चीज़ में मास्टर, भाई जिससे इवकर पकड़ते हैं उसका मास्टर बन के क्या करेगा, मतलब लिंक का मास्टर बन के क्या ही करेगा ये। ओके, सो उसके बाद है फीरो, फीरो पेवर बोले तो फायर टाइप एंड डार्क टाइप है ये भी, और मेरे पास भी एक डार्क टाइप है, बट मैं नहीं चाहता मैं अभी उसका इस्तेमाल करूं, बिकॉज मुझे लगता है मैं इसको इजीली हरा लूँगा फरने से ही। बट ठीक है, देखते कि हम लोग हरा पाते हैं कि नहीं। वैसे तो उसने हम लोग को ब्लेड कर दिया, बस मैं रेस्पिरेट के तरफ जा रहा हूँ। ओके, तो मेरे को एक और रेस्पिरेट मार दिया तो मैं जीत सकता हूँ, बट वो मेरे को इतना डैमेज दे देगा कि मैं मारा जा सकता हूँ, बट मेरा रेस्पिरेट चार्ज नहीं। वाह भाई साहब, ये तो प्रॉब्लम होता है इसमें, मूव जल्दी चार्ज नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हम लोग को दे देता है बहुत हर बार। मतलब मैक्सिमम टाइम तो बैटल में यही होता है कि हमारे पास मूव नहीं होता, इसकी वजह से आप उन हार जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं तो हमारे क्रू इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हम लोग किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। सो या फिलहाल के लिए चलो नल ड्रा को बुलाते हैं। नल ड्रा वैसे इसका नाम भी काफ़ी खतरनाक है, मतलब यहाँ बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बट मेरे को लगता है नल ड्रा इसकी वाट लगा सकता है, बिकॉज ये वाटर टाइप एंड डार्क टाइप है, तो या ऑफकोर्स इसके पास चांसेस हैं, उसके पास वाटर अटैक भी है। सो या फिलहाल के लिए इसके वाटर अटैक वर्लपूल के तरफ से चलते, वैसे इसका वर्लपूल ही नाम था ना अटैक का, ओके वेव नाम था। ठीक है, 26 का डैमेज कुछ खास नहीं, बट ठीक है। ओके, सो इसका अल्टीमेट ट्राई करें, मेरे को ट्राई करने का है वैसे इसका अल्टीमेट, और अभी तक इसने कुछ ढंग का हीलिंग मूव नहीं सिखाया, मतलब ठीक है आगे सीख जाएगा। फिर फिलहाल के इसका अल्टीमेट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा डैमेज देगा। सैडो मॉल, ओ भाई साहब, ओ भाई अब डैमेज तो काफ़ी खतरनाक दिखा रहा था, बट असल में 19 का डैमेज हुआ, मतलब यह पचका हो गया। बट ठीक है, एनिमेशन काफ़ी बढ़िया था, ऑफकोर्स उसका लेवल ज़्यादा है तो उसको डैमेज कम होगा, बट ठीक है आई थिंक सो स्पार्क से आप जीत सकते हैं। अब मार दे भाई स्पार्क, ओके लेट्स गो, काफ़ी बढ़िया भाई सब। लेवल अप तो इधर दबा के होगा, मतलब इसको लेवल अप चाहिए, 41 का हो गया लौंडा, क्योंकि इसके लेवल की काफ़ी ज़्यादा कमी है अभी फिलहाल, हाल ही में ही ये इवॉल्व हुआ है, दैट्स वाई। ओके, सो आई थिंक सो फर्नेस काम आ जाएगा अपने इधर, मतलब फर्नेस को आई थिंक सो बर्निंग डैमेज लगा हुआ है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अपने लिए, बिकॉज वो सामने वाला एडवांटेज में चले जाएगा। ओके, तो इसके पास है रेगाडॉन, और रेगाडॉन के खिलाफ मेरे पास कहें तो अपने हाइड्राजा को निकालते हैं, हाइड्राजा इसकी वाट लगा देगा आराम से, बिकॉज वो पेवर रॉक टाइप है और अपना हाइड्राजा रॉक एंड वाटर टाइप है। तो या ओके, स्नेक अटैक नॉट अ बैड बॉय, मतलब दिमाग है लोंडे में, बट इतना कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं है, मतलब स्नेक अटैक
किया सही, मतलब बस डैमेज नहीं हुआ बिकॉज स्नेक अटैक मेरे ऊपर कुछ खास डैमेज देता भी नहीं। ओके किसका नाम क्या है, आर्म माइट, आर्म माइट। ओके भाई साहब, पूरा मेरे आगो के लपटों में, क्या बोले क्या कहें, आग के लपट में। अरे यार मेरे मुँह से वर्ड नहीं निकल रहा है, क्या ही बोलूँ। ठीक है छोड़ो, कुछ भी है ये, कुछ भी है, मतलब यह दिख रहा है पूरा, बोले तो जोशीला बंदा कह सकते हैं, मतलब पेवर आग से जलता हुआ। ऑफ कोर्स ओके, गस्ट अटैक कुछ खास इफेक्ट तो नहीं हुआ। वैसे हमारे हाइड्राजा के पास इतने ज़्यादा वाटर अटैक है नहीं, मतलब कहें काइंड ऑफ, तो बिकॉज उसका सिर्फ अल्टीमेटी अटैक है जो वाटर टाइप डैमेज देता है, और उसने अभी तक कुछ ढका, मतलब कहें तो वाटर टाइप अटैक सीखा नहीं है। मतलब या कहें तो इसको एक और वाटर टाइप इसके पास अटैक होता तो आप उन काइंड ऑफ एडवांटेज में रहते, मतलब एक नॉर्मल वाटर टाइप अटैक इसके पास होना ही चाहिए था, बट अभी तक इसने सिर्फ अल्टीमेट ही सीखा है। मतलब ये आई नो, ये पता नहीं अल्टीमेट से सामने वाले की वाट लगा सकता है, बट फिर भी। ओके बाइंड मिस कर दिया भाई, बाइंड ही एक अटैक है जिससे आप उन काइंड ऑफ टिके रहते हैं, बट उसने यही अटैक मिस कर दिया। बट ठीक है, आप उन स्टिल जीत सकते हैं बिकॉज अपने पास अभी भी चांसेस हैं, बस हमारा अल्टीमेट फुल हो जाए। अभी तक फुल होने का नाम नहीं ले रहा और ये हर बार बाइंड मिस किए जा रहे हैं, पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ा हैडराजा को। ओके हरिकेन लेट्स गो, मुझे लगा था हरिकेन भी ये मिस कर देगा, बट फाइनली लॉन्डे ने मार दिया। ओके कुछ खास डैमेज नहीं हुआ ऑफकोर्स, क्योंकि वो नॉर्मल टाइप है। ओके बाइंड, भाई भाग ना पाए, इसको बाइंड कर देते हैं बिकॉज इसको हम लोग को इस बार हराना ही है। अपना अल्टीमेट चार्ज हो जाएगा तो अपन इसको फटाक से हरा सकते हैं, बट इसका अल्टीमेट चार्ज होने का ही सबसे मेन प्रॉब्लम है बिकॉज इसमें अल्टीमेट काफ़ी लेट चार्ज होता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उसको फास्ट कैसे चार्ज करेंगे, उसका मेरे को तरीका नहीं पता। कहीं तुम लोग को पता है तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि अल्टीमेट हम लोग फटाफट चार्ज कैसे कर सकते हैं, कहीं तुम लोग के पास कोई आइडिया है उसको चार्ज करने का तो, मतलब यह तो बता देना। वैसे तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसे नॉर्मली अल्टीमेट चार्ज करना पड़ेगा भाई, अल्टीमेट इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आता है यार। मतलब जैसे अपन पोकेमोन गेम खेलते हैं तो पोकेमोन गेम में हमारे पास काफ़ी चांसेस होते हैं अल्टीमेट अटैक करने के, बस इसमें नहीं कर सकते। इसमें एक बार में मैं तब एक ही अटैक कर सकते हैं, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तुम्हें लंबा रुकना पड़ता है, फिर इतना रुकने के बाद ही तुम नेक्स्ट अटैक कर पाओगे। सो ये काइंड ऑफ कहें तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिबल है, मतलब ऐसे ही होता है हर चीज़ में। मतलब सेम कहें तो सामने वाला थक जाता है अपना अल्टीमेट करने में, तो या उसको टाइम तो लगेगा ही अपना अल्टीमेट बनाने में, सो या बोल सकते हैं ऐसा काइंड ऑफ। बट ठीक है आई थिंक सो, ये गस्ट अटैक ओके पड़ा ही नहीं, मेरे को लगा कि इसका गस्ट अटैक इसको पड़ जाएगा, बट ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी भी ये हार सकता है बिकॉज उसका कोई हेल्थ बचा ही नहीं है, तो या उसका जीतने का कोई चांस ही नहीं बचा है। ओके सो करते हैं अपना नॉर्मल कॉन्स्ट्रक्ट, कॉन्स्ट्रक्ट से इसका काम हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्ट्रक्ट ग्रास टाइप अटैक है, पता नहीं क्यों हो जाएगा, बट ठीक है। तो अपना हाइड्राजा हो गया 54 लेवल का, नॉइस काफ़ी बढ़िया, मतलब या ओके भाई बता दे टेक्निक क्या है। यू कैन कैप्चर क्रूज इजिली इफ़ यू आर यूज राइट लिंक। ओके बोलता है कि तुम बड़ा आसानी से क्रू पकड़ सकते हो कहीं तुम, मतलब उसके हिसाब से लिंक यूज किए तो। वेट यू नो दैट ऑलरेडी, ओके तो तुम इसके बारे में पहले से जानते हो। ऑफकोर्स भाई जानता हूँ, मतलब क्या है यार ये फोकट का सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया, मुझे लगा कि कुछ काम की जानकारी देगा, बट ठीक है बस ये टाइम पास किया। वी आर गोइंग टू बैक फ्रॉम होम, द स्कूल इज इलाइट मेट्रो। ओके इलेक्ट्रॉन मेट्रो, ओके तो इन लोग इलेक्ट्रॉन मेट्रो से अपने घर जा रहे हैं। वाह भाई सब कुछ ज़्यादा लंबे पढ़ाकू बंदे नहीं है, मतलब काफ़ी दूर से स्कूल जाते हैं, मतलब यार छोटी सी लौंडिया इतनी दूर से स्कूल जाती है और आती है, क्या ही बोलना। ओके तो अपने पास फर्नेस है, उसका भी फायर टाइप है, मैं काइंड ऑफ कहूँ तो मैं फिनिक्स फायर यूज कर लूँ बिकॉज फिनिक्स फायर से कम अपन अपना अटैक डबल पड़ेगा सामने वाले को। सो आई थिंक सो अपन इसको वन शॉट कर पाएंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है मतलब चांसेस हैं इसको वन शॉट करने के, बट ठीक है कोशिश करते हैं अपना रेस्पिरेट करके देखते हैं कि कितना डैमेज होगा। ओके रेस्पिरेट किया ही नहीं इस लौंडे ने, वाह भाई साहब, मतलब यहाँ मेरे को देखना था कितना डैमेज होगा, बट ये लौंडा बोलता है मैं डैमेज ही नहीं दूंगा। ओके तो हाइड्राजा को भी बुलाना पड़ेगा बिकॉज फर्नेस पूरे तरह से जल चुका है, उसकी वाट लग चुकी है। सो या ओके इसको भी बर्निंग इफेक्ट, भाई इसमें बर्निंग इफेक्ट बहुत बेकार इफेक्ट है, मतलब इस गेम में ना एक बर्निंग इफेक्ट एक ब्लीडिंग इफेक्ट सबसे बेकार इफेक्ट में से एक इफेक्ट है, मतलब कहें तो वो दोनों ही वाट लगा देते हैं तुम्हारी, बस तुम्हारे पर वो इफेक्ट पड़ गया तो। वैसे तो सामने वाले अपोनेंट पर भी पड़ जाए वो इफेक्ट, तो काफ़ी ज़्यादा सामने वाले अपोनेंट की भी वाट लग जाती है, बट कह सकते हैं। ओके सो हरिकेन ने ठीक ठाक डैमेज दे दिया, मतलब मुझे उम्मीद था कि एक शॉट वन शॉट आप उन कर देंगे बिकॉज अपना लेवल काइंड ऑफ कहें तो ज़्यादा है, बट फिर भी आप उसको वन शॉट नहीं कर पाए, काइंड ऑफ अजीब लगा मेरे को यार, मतलब इतना ज़्यादा लेवल होने के बावजूद सामने वाले को डबल डैमेज होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता इस गेम का, मेरे को वसूली नहीं समझ आता कि इतना ज़्यादा तुम लेवल अप कर लो फिर भी तुम सामने वाले को एक वन शॉट नहीं कर सकते, मतलब यार सामने वाला हमेशा टिकता ही टिकता, पता नहीं कैसे। ओके कॉन्स्ट्रैक्ट लेट्स गो, चलो इसको हरा तो दिए फाइनली, बट उसने अपने को बर्न कर रखा है वो भी खतरनाक वाला,
सो अपने को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्या ही बोलना। ओके यही अकेले लड़ने वाली थी क्या? डिस्पेट मी। ओके तू तो नहीं लड़ेगा ना लौंडे? ओ भाई साहब ये भी लड़ेगा, मुझे लगा कि ये नहीं लड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक टू बैक टू क्या मेंटल बर्ड फ्रॉम अ इलेक्ट्रो मेट्रो। हाँ भाई साहब काफ़ी लंबा रास्ता है, मतलब यार इतना लंबे रास्ते से लौंडे आते जाते हैं भाई स्कूल, क्या ही बोलना। इतना ज़्यादा डेडिकेशन पढ़ाई में, मतलब क्या ही बोलना भाई साहब। आजकल के लौंडे तो ढंग से मतलब घर पे नहीं पढ़ाई करते हैं, और ये लौंडे इतने दूर से जाके पढ़ के आते भाई साहब, क्या ही बोलना। ओके स्टैम्प पॉड लेट्स गो। आई थिंक सो स्टैम्प पॉड इसको वन शॉट कर सकता है बिकॉज वो पेवर वाटर टाइप है, मतलब या मेरे को लग रहा है चांसेस वैसे, बट ठीक है देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ओके मैस ग्रेव लेट्स गो, वन शॉट हो जा भाई प्लीज हो जा। ओके ये तो आधा भी उसका हेल्थ कम नहीं हुआ, मतलब क्या ही मतलब है यार। वो वाटर टाइप है, मेरा ग्रास अटैक है फिर भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या बोलना भाई। इस गेम का वसूल मेरे को सच में नहीं समझ आता, लिटरली नहीं समझ आता। ओके लीफ कैनन मिस कर दिया इस बेवकूफ़ ने, क्या ही फ़र्क पड़ता, हर बार तो मिस ही कर देता है, तो कुछ नया तो है नहीं। ओके नट क्रैकर मार दे भाई, भाई तू आज सारा चीज़ मिस करने वाला है क्या स्टैम्प पॉड के बच्चे, मतलब या कभी कभार मैं सोचता हूँ कि स्टैम्प पॉड को मैं पार्टी में रखा ही क्यों, मैं ये मैक्सिमम अटैक मिस कर देता है, मतलब ये काइंड ऑफ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है अपने पार्टी में, बट ये सबसे ज़्यादा बोले तो अटैक भी मिस करता है, मतलब अजीब ही लौंडा है भाई। पता नहीं इसको क्या घमंड वमंड हो गया, मतलब इतने ज़्यादा लेवल अप होने की वजह से, मतलब ये सामने वाले पे हमला ही नहीं करता भाई, बोलता है कि तू कमज़ोर है भाई मैं तेरे को मारूंगा ही नहीं, मतलब अलग ही अजीब ही लौंडा है भाई। ओके 43 और ठीक है फिर भी सामने वाला मरा नहीं, मतलब मुझे लगा नटक्रैकर से बात बन जाएगी, बट ठीक है तो लीफ कैनन से आई थिंक इसका काम हो जाना चाहिए। ओके ये अटैक मिस करेगा भाई, मैं क्यों मैं इससे उम्मीद ही क्यों करता हूँ, मैं उम्मीद करना बेकार है भाई स्टैम्प पॉड से, कोई मतलब नहीं। ओके अर्थक्विक प्लीज़ भाई अर्थक्विक तो मार दे, कुछ तो डैमेज दे दे उसको स्टैम्प पॉड के बच्चे। ओके थैंक यू सर जी, मतलब ये क्या ही बोलना यार स्टैम्प पॉड के बच्चे को, मतलब सामने वाले को ये मारता ही नहीं है। फर्नेस 46 लेवल का। ओके फर्नेस ने फाइनली अपना अल्टीमेट सीख लिया। ओ भाई सब काफ़ी बढ़िया, मतलब या यू हैव अ लॉट ऑफ मोर टू वर्क टू डू। ओके तो बोलता है कि हमें बहुत सारे काम करने अभी बाकी हैं, ठीक है भाई कर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे फर्नेस ने अपना अल्टीमेट अटैक सीख लिया लॉन्डो, और क्या ही चाहिए, मतलब इसी के लिए तो मैं रुका हुआ था, और फाइनली अपन ने अल्टीमेट अटैक सीख लिया क्या कॉन्फ्लिक्ट ग्रेट, बहुत अजीब नाम है बट ठीक है। अ पावरफुल फायर ब्लास्ट दैट डज क्या इम्प्रूव डैमेज अप्लाइज अ बैड बर्न। ओके तो इसका चांसेस है कि सामने वाले को काफ़ी खतरनाक मेर जला देगा। ओके भाई सब काफ़ी बढ़िया। ओके भाई ये ब्रिज काफ़ी खतरनाक मेरे को लगता है, मतलब यहाँ काफ़ी बंदे मिलने वाले हैं। इको क्या इवोकर वॉज क्रिएटेड आफ्टर द क्रू वॉर्स। ओके तो इवोकर मतलब कहें तो क्रू वॉर के बाद बनाया गया था। यू हैव टू गो थाउट मी टू लर्न मोर। ओके तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा और ज़्यादा जानने के लिए। वाह भाई साहब ये भी कोई बात होती है, मतलब यह ये भी कोई बात होती है, कुछ जानने के लिए इसको पूरा हराना पड़ेगा। वाह भाई साहब नहीं वाह यही तो बच गया हमारे पास, और कुछ काम धंधा है नहीं। ओके रिफ्लेक्ट ठीक है नॉट प्रॉब्लम नॉट प्रॉब्लम। ओके बढ़िया भाई ये बर्न अभी तक है यार। ओके सो आपन करते हैं कॉन्सेंट्रेट, मेरे हिसाब से सा इसको बर्न हो जाना चाहिए बिकॉज ये अपना अल्टीमेट अटैक है, और वो बर्न ना पकड़े तो बेकार हो जाएगा। ओके बैडली बर्न लेट्स गो, काफ़ी बढ़िया भाई साहब अपने को भी एक अल्टीमेट खतरनाक अटैक मिल गया, मतलब अब अपना फर्नेस भी ओपी हो गया है, क्या ही बोलना। ओके फर्नेस फ्लेम थ्रो और लौंडे और जला दे इसको, मतलब यह जला हुआ कबाब बना दे, मतलब क्या ही बोलना। ओके क्या कर सकते हैं अपन अर्थक्विक नहीं क्रश करते, आई थिंक सो क्रश इसका काम हो जाना चाहिए। ओ भाई साहब क्या HP बची है, मतलब HP दिख तक नहीं रही है। ओ भाई क्या बैटल था भाई क्या बैटल था, HP दिख तक नहीं रही है भाई, क्या ही बोलना। इसको हटाना पड़ेगा भाई नहीं तो फर्नेस का कहानी खलास हो जाएगा। ओके सो उसके पास काइंड ऑफ कहें तो ये अलग अलग टाइप के मतलब कहें तो रखी है, जैसे वो अभी आप उनके सामने निकाला था वैसे कौन से टाइप था वो मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है छोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके तो हाइड्राजा को बुलाते हैं, वैसे हाइड्राजा का काफ़ी ज़्यादा कम HP है प्लस हाइड्राजा बर्न है, तो या काइंड ऑफ हाइड्राजा आते मर ना जाए मेरे को ये डर लग रहा है। ओके इसने स्टिंग कर दिया और मुझे लगता है हाइड्राजा का बच्चा मर जाएगा। ओके ब्राउन लेट्स गो, बच गए भाई साहब बाल बाल बच गए, वैसे कुछ खास HP रिकवर नहीं हुआ बट ठीक है। ओके भाई साहब मेरे को नहीं लगता कि ये बच पाएगा। ओके काफ़ी बढ़िया अभी भी टिका हुआ है लौंडा। के हरिकेन बहुत बढ़िया, हरिकेन से इसको मार दे अच्छा खासा डैमेज प्लीज़ लौंडे, 70 का डैमेज ठीक है, मतलब ठीक है इतना भी कुछ खास नहीं बट ठीक है। ओके इसके पास दो दो
रस्टेन है, व्हाट द हेक, मुझे लगा इसके पास एक ही रस्टेन होगा, मतलब यार हर किसी के पास तो एक ही टाइप के होते हैं, मतलब यार ये दो दो एक ही जैसा लेके रखे, मतलब क्या ही बोलना। ओके सो आप उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इसके दोनों के दोनों एक ही टाइप के हैं, मतलब दोनों फायर टाइप हैं और अपने पास वाटर टाइप के में अब ज़्यादा क्रू बचे नहीं हैं। सो फिलहाल के लिए अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं कि आप उन अपने आप को हील कर लें। ओके 73 काफ़ी बढ़िया एचपी रिकवर हो गया। ओके आप उन बर्न भी हैं, सो आप उन करते हैं फिलहाल के लिए क्या, इसको पॉइजन करने की कोशिश करते हैं या बर्न करने की सैडो मॉल से। ओके 27 का क्या हुआ भाई, चिल चिल मत हो लौंडे, पॉइजन हो जाओ। ओके ठीक है पॉइजन, बहुत ही बढ़िया, अब पॉइजन हो गया वो लौंडा, बट अपने पास अभी भी वेव है। आई थिंक सो वेव से कुछ खास डैमेज होना तो चाहिए बट नहीं हुआ। ओके अपने पास अभी भी मौका है, आप उन जीत सकते हैं। ओके वो पॉइजन में है, रिकवर प्लीज़ हो जा। ओके 45 का भाई, पहले 73 का रिकवर हुआ था, ये क्या मजा आके भाई, रिकवरी में भी इन लोग कंजूसी करते हैं क्या, मतलब कभी ज़्यादा रिकवर होते हैं कभी कम रिकवर होते हैं, अजीब ही है बट ठीक है, मतलब क्या ही बोलना। 42 बहुत बढ़िया। ओके इम्यूनिटी, ये कौन सा अटैक है भाई, कौन सा अजीब और गरीब अटैक सिखाई है, पर ठीक है काइंड ऑफ सुनने में तो लग रहा है कि कोई अच्छा ही अटैक है। ओके सो इसके ऊपर अब कौन सा अटैक कर सकते हैं आप उन, वैसे तो आप उनका हारने का चांसेस दर ज़्यादा है बट ठीक है, स्पार्क अटैक करते हैं, वैसे तो स्टिंग अपनी वाट लगा सकता था बट ठीक है आप उन अभी भी बच सकते हैं, रिकवरी बस्ट अपने पास है नहीं, वेव करते हैं ब्लास्ट। ठीक है भाई सब ठीक है। सो अब अगला कौन सा बंदा निकाले, अपना रेंजफर, आई थिंक सो रेंजफर के पास एक वाटर अटैक है तो रेंजफर इसके सामने टिक सकता है। ओके हाँ है, तो फिलहाल के लिए टॉर्नेडो इस्तेमाल करते हैं, अपना नया अल्टीमेट अटैक, मतलब या वैसे कुछ खास डैमेज दिया नहीं बट ठीक है, मेरे को आजकल समझ नहीं आता कि इन लोग का अल्टीमेट अटैक मैं इस्तेमाल करता हूँ तो कुछ खास डैमेज क्यों नहीं देता, मतलब या कोई मतलब नहीं है इस अटैक का अल्टीमेट होने का, मतलब ये तो नॉर्मल से भी कम डैमेज देता है, मतलब क्या ही बोलना। ओके बढ़िया 47 का फर्नेस, ओके फर्नेस पे अपना काफ़ी सही लेवल अप हो गया, यू क्या प्रूव्ड योर सेल्फ। ओके तो तुमने अपने आप को बता दिया बट ठीक है, ये हमें क्या बताने वाले, क्रू वार वेयर द क्या फाइट बिटवीन अ रीजन्स। ओके तो क्रू वार जब चालू हुआ था, जब मतलब दो रीजन्स आपस में फाइट कर रहे थे और रीजन्स इंक्लूड जेनिथ, वी आर क्या रिवेंज बाय अ वॉर। ओके तो सारे के सारे शहर और उसमें जेनिथ भी था, मतलब उस वॉर में द क्या रीजन क्रिएट अ ईवकर एज अ वे टू डील विद द रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड अनदर क्या कॉन्स्टिपेटिक वॉर। ओके तो सारे रीजन ने मिलकर, ये तो सेम ही स्टोरी है यार, मतलब जैसा आपने पिछले एपिसोड में सुना था ये वही सेम स्टोरी बता रही, कुछ फ़र्क है नहीं। मिरर मिरर ऑन द वॉल शो मी डिफाइन मी, ओके शीशे शीशे मुझे दिखा और मुझे बता मैं कितना सुंदर हूँ, व्हाट द हेक, ये कैसा बंदा है भाई, ये पागल वागल है क्या, मतलब यार दिखने में कूल लग रहा है बट फिर भी भाई साहब इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब बोले तो अपनी तारीफ करना अजीब है। ठीक है फीनिक्स फायर, ओ भाई साहब मुझे लगा कि फीनिक्स फायर नहीं करेगा, मतलब उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि इसका एचपी कुछ दिख नहीं रहा था, दैट्स वाई। ओके 56 का हेल्थ रिकवर हुआ, उसमें मैं से 36 का डैमेज ले लिए। ठीक है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आई थिंक सो इसको बैडली बर्न हो जाए तो अपना फ़ायदे में आप उन आ जाएँ। ओके काफ़ी बढ़िया, ये अल्टीमेट काफ़ी कमाल का, मतलब या इससे आप उन सामने वाले को बर्न करके इजीली उसकी वाट लगा सकते हैं। सो मेरे को ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब काफ़ी बोले तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो आई थिंक सो आगे अपना रेंजफर संभाल लेगा मेरे को जहाँ तक लगता है, मतलब ऑफकोर्स संभाल लेगा लौंडा। टॉर्नेडो लेट्स गो, आग में हवा डाल के और ज़्यादा आग को बढ़ाएंगे और अपने जीतने का चांसेस बढ़ाएंगे। ओके सो ये लाया है क्या, इसका नाम क्या है, डाइकार, कितना अजीब नाम है भाई सब, इसमें तो मैक्सिमम क्रू के नाम बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब नाम लेने का मेरा मन नहीं करता इसमें, मैक्सिमम नाम ही नहीं पढ़ने का मन करता बिकॉज इतने अजीब अजीब नाम रहते हैं ना इन लोग के, क्या ही बोलना, देख नॉर्मल नाम नहीं रख सकते, इतना खतरनाक नाम रखने की क्या ज़रूरत है, मुझ जैसे बंदे को जिसको ढंग से इंग्लिश पढ़ने नहीं आती भाई साहब, उस बंदे की तो वाट लग जाती है जैसे मेरी। ओके डाइव, ठीक है 19 का डैमेज काफ़ी सही। ओके ठीक है, ये 200 साल लगाएगा जीतने में, इससे अच्छा स्टैम्पॉड को बुला लेते हैं, स्टैम्पॉड इसको इजीली हरा देगा तो ये अपने को काइंड ऑफ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज आप उन ग्रास टाइप हैं। सो मैस ग्रेव लेट्स गो, अरे फोटोन शूट करना बंद कर लौंडे, मैस ग्रेव खा और ज़िंदगी के मौज ले। ओके काफ़ी सही, बस ये बाकी के अटैक अपने मिस करना ना चालू कर दे, मतलब लीफ कैनन तो ये मैक्सिमम टाइप मिस ही करता है, प्लीज़ मार दे भाई, थैंक यू, मुझे लगा नहीं था ये मारेगा बट ठीक है बढ़िया, कम से कम इसने अटैक मार दिया।
ओके नटक्रैकर भी मार दे प्लीज़, प्लीज भाई प्लीज मार दे। ओ भाई साहब, इससे अटैक मरवाने के लिए हर बार प्लीज़ करना पड़ता है यार, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है ये मेरी बात समझ पाता है, पता नहीं क्यों। मतलब यार भाई गेम खेल रहा हूँ और गेम के अंदर मेरी बात ये कैसे समझ पाता है, अजीब है। मतलब 54 स्टैम्प पॉड, काफ़ी बढ़िया भाई साहब स्टैम्प पॉड। वैसे लेवल अप होकर तेरा कोई मतलब नहीं है, तो मेरा बात नहीं मानता स्टैम्प पॉड के बच्चे, तो भाड़ में जा। ओके 72, वैसे 72 नहीं 712 किसी को एक्सपीरियंस मिला, मैंने नाम ही नहीं पढ़ा, बट ठीक है। ओके तो ये बैडली बर्न है, तो ये अपना आई थिंक सो कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज उसको अपन बर्न कर दिए थे, और या नट क्रैकर से इसका काम बन जाना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत ही बढ़िया। अगला कौन आया भाई, रेंज ऑफर 51। भाई सब रेंज ऑफर भी बोले तो मौज कर रहा है, मतलब बाहर बैठे बैठे अपना लेवल अप करे जा रहा है। ओके एक इलेक्ट्रिक एंड ए नॉर्मल टाइप, मतलब या इसका नाम भी बहुत अजीब है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मतलब या सब इन लोग का नाम पढ़ना मतलब अपने लिए बवाल लेना, मतलब 10 घंटा तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि आखिर क्या इसका नाम क्या है और कौन सा वर्ड लिखा है। ओके सेड स्किन प्लीज़, क्या आज हम लोग सच में मेंटल सिटी में पहुंच पाएंगे, मेरे को शक है यार। मतलब इतने सारे बंदे इस ब्रिज पे कर क्या रहे हैं, क्या पार्टी वार्टी मनाने आए हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब इतने सारे बंदे एक ही ब्रिज पे, क्या ही बोलना। ओके अल्फा बढ़िया, ठीक है भाई तेरा कुछ खास अल्फा डैमेज देगा नहीं मेरे को, बिकॉज मेरे पास स्किन सेट है, मैं अपने आप को उतना रिकवर कर लूँगा। वो नट क्रैकर ने तो मौज कर दी भाई। ओके मरा नहीं क्या वो लौंडा? ओ मुझे लगा कि मरा नहीं भाई साहब, क्योंकि उसका एचपी दिख नहीं रहा था, दैट्स वाई। ओके बढ़िया, लोमी गॉन, ओ कूल भाई सब क्या दिख रहा है ये ड्रैगन का बच्चा। मतलब यार ये मेरे को चाहिए, मेरे को ये मिला ना लॉन्डो तो मैं इसको पक्का डेफिनेटली पकड़ूंगा। ये पता नहीं आई थिंक सो ये कहें तो मेगा वेगा रेयर है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मेरे को ऐसा देख के लग रहा है, बिकॉज इसका स्टार काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मेरे को लगता है ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। ओके और मैंने अभी तक लूमी गॉन देखा भी नहीं, तो या दैट्स वाई। ओके मेरा फिर से अटैक मिस करना चालू कर दिया, सो या मेरे को अब इससे उम्मीद है नहीं कि ये लीफ कैनन मारेगा, बट प्लीज़ मार दे। ओके थैंक यू। ओके 17 का डैमेज, विंड एंड नॉर्मल टाइप, दैट्स वाई इसको 17 का डैमेज हो रहा है, बिकॉज ये विंड टाइप है तो इसके ऊपर ग्रास अटैक इफेक्ट हो नहीं रहा है। सो अपने पास कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो इसकी वाट लगा सके, बिकॉज अपने पास रेंज ऑफर है वो खुद विंड टाइप है, और विंड पे विंड कुछ खास इफेक्ट होगा नहीं, बट फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ खास इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब यह कोशिश करने में क्या ही जाता है। तो लेंस अटैक करते हैं। ओके 28 का डैमेज, ठीक है, मतलब ये कहें तो काइंड ऑफ लंबा बैटल खिंच जाएगा ज़बरदस्ती, मतलब हमारा मन नहीं है इतना लंबा बैटल करने का, बट भाई वो सेम टाइप के हैं, दैट्स वन लोग को डैमेज इतना कुछ खास हो नहीं रहा है, सो या ऑफकोर्स ये लंबा बैटल जाएगा। ओके ओ मेरा रीगेन अभी तक नहीं आया, वो है टोर्नेडो लड़कू, टोर्नेडो से डैमेज देते, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ओके आई थिंक सो उसके पास कोई अल्टीमेट अटैक है नहीं, इसलिए अभी तक इसने इस्तेमाल नहीं किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके मैं मर ना जाऊँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं मर सकता हूँ भाई, बिकॉज मेरा अभी तक रीगेन चार्ज हो गया, फाइनली चार्ज हो गया, मुझे लगा कि अभी तक चार्ज नहीं हुआ। ओके पीसीफाई कितना करेगा भाई, कितना पीसीफाई, एक ही सेम ही अटैक हमेशा किए जा रहे, इतना फटाफट इसका एक अटैक चार्ज कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये सेम अटैक बार बार कर रहा है, देख रहे हो फिर से वही सेम अटैक। इसको स्टैमिना की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या, मतलब इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती वो अटैक को, आई थिंक सो लगता तो है ये, क्योंकि बार बार वही सेम अटैक कर रहा है, दैट्स वाई पता नहीं कैसे सेम अटैक बार बार किए जा रहा है, मतलब होगा भाई कुछ ना कुछ तरीका होगा, तभी तो सेम अटैक किए जा रहा है। बस भाई कितना सेम अटैक करेगा, कुछ तो अलग अटैक कर ले, मतलब या वैसे तो उसके ये अटैक से मेरे को कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा, तो एक हिसाब से कहें तो फ़ायदा ही है अपना, बट फिर भी यार। ओके स्टैम्प पॉड 55 लेवल का, और फाइनली इस बंदे को आपने हरा लिया। इज़ नॉट अ क्या, इज़ नॉट दैट अ कूल लाइन। ओके तो तुम्हें ये मतलब कोई तो सुनने में बढ़िया नहीं लगता है, वैसे तो मेरे को क्या पता भाई सब क्या ही बढ़िया लगता है, बट या ओके सो आप उन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह पे फंस चुके हैं, मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज इन लोग अपना हाथ मतलब कहें तो अपने को चुपचाप जान ही नहीं देने वाले हैं, देख रहे हो कभी से लड़े ही जा रहे हैं भाई सब, मैं खुद बोर हो गया इन लोग से लड़ लड़ के। वेट वे आई एम सो हाई, ओके तो बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा ऊपर कैसे हूँ, व्हाट द हेक, पागल वागल है क्या बंदा, मतलब या ओके ठीक है भाई सब, गिलहरी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ बंदा, इसके पास एक नॉर्मल क्रू है, तो ये ऑफकोर्स आप आई थिंक सो फिर इसको इजीली हरा पाएंगे, मतलब ये भी कहीं मेरे जैसा सेम टाइप का क्रू लेके आता तब तो भाई अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता इसको हराने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ओके सो लीफ कैनन
मार दे भाई लीफ का ना प्लीज। के सर ब्लीड इफेक्ट हो गया, बट ठीक है, अपन को आई थिंक सो इतना ज़्यादा ब्लीड इफेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने पास स्किन शेड है जिससे अपना एचपी हमेशा रिकवर होता रहता है। वैसे अर्थक्विक आई थिंक सो उसको कुछ डैमेज देगा, दे दे भाई अर्थक्विक। ओके 19 का डैमेज, भाई क्या डैमेज देता है भाई अर्थक्विक, क्या ही डैमेज देता है। मतलब इससे ज़्यादा डैमेज तो मैं नट क्रैकर मेरा दे देगा, मतलब लिटरली उससे ज़्यादा डैमेज मेरा नट क्रैकर दे देगा। देख रहे हो 36 का डैमेज, कोई मतलब नहीं भाई साहब। अर्थक्विक इतना ख़तरनाक नाम होने के बावजूद डैमेज मतलब बोले तो कुछ है ही नहीं उस अटैक का। ओके सेड स्किन 121 का हील, भाई सब फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हील हुआ ये लौंडा। मतलब यह हर टाइम अपने आप को 24 का हील करता ही रहता है मतलब यह। ओके फिर से ये स्लैश, भाई कितना स्लैश मारेगा भाई, ब्लीडिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओके आई थिंक सो उसकी वाट लग चुकी है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसका एचपी दिख नहीं रहा है। भाई मर गया क्या? हेलो ओके, इसमें मैक्सिमम टाइम अरे इन लोग का एचपी गायब हो जाता है, बट इन लोग जल्दी हारने का नाम ही नहीं लेते। और उसके पास 4 क्रू है, वादा है कभी तो आपन ने एक को हराया तो अभी 3 और बचे हुए हैं। ठीक है भाई सब, ठीक है ठीक है, हमारी वाट लगा लो तुम, मतलब हम इसीलिए बैठे ही हैं, तुम हमारी वाट लगाओ। ओके नट क्रैकर कुछ ज़्यादा डैमेज ना देते हुए, वही सेम डायलॉग मतलब यह, क्योंकि नट क्रैकर कुछ डैमेज देता ही नहीं है और अर्थक्विक से मेरे को कुछ उम्मीद नहीं है। है व द हैक 31 का डैमेज, मुझे नहीं उम्मीद था भाई साहब कि ये डैमेज देगा मतलब या। ओके लीफ कैनन मार दे भाई प्लीज प्लीज। ओके देखना प्लीज कहने से काम आता है, मतलब कहें तो प्लीज कहोगे तो ये तुम्हारा बात मानेगा स्टैम्पॉड, मतलब ये अपने आप को तुर्रम खान समझ रखा है स्टैम्पॉड का बच्चा, मतलब इसके लिए इसको प्लीज कहना पड़ता है, तब समझ रहे हो इज्जत देनी पड़ रही है इसको। ओके मैस ग्रेव भाई साहब ठीक है, मैंने प्लीज नहीं कहा इस बार, इसने इसलिए अटैक किया नहीं, ठीक है मेरी गलती। लीफ कैनन प्लीज प्लीज मार दे स्टैम्पॉड प्लीज, भाई साहब इस बार प्लीज कहने से भी नहीं सुना, व द हेक नट क्रैकर तो मार दे प्लीज भाई प्लीज प्लीज प्लीज, कितना प्लीज कहूँ उसको, ये इसको मेरे को मेरे बात का इसको बुरा तो नहीं लग गया। ओके ठीक है मार दिया भाई, मेरे को लगा कि ये मेरा बात समझ लिया इसलिए मार नहीं रहा अटैक, बट ठीक है। ओके सो अर्थ क्विक करे क्या इसके ऊपर? वैसे वो नॉर्मल है तो आई थिंक सो उसके ऊपर अर्थ क्विक डैमेज होगा मतलब, या होना तो चाहिए 37 का काफ़ी सही। लीफ कैनन मार दे भाई प्लीज मार दे स्टैम्पोर्ट की मर्जी मार दे। ओ भाई साहब मिस, कितना मिस करेगा लौंडे यार, ये लौंडा अटैक ही मिस करता है यार, सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब ही लौंडा है, मतलब स्टैम्पोर्ट में समझ ही नहीं पाता हूँ कि ये आखिर बंदा कैसा है, कभी अटैक मिस करता है कभी मिस नहीं करता, अजीब ही है। ओके काफ़ी सही, बट एचपी उसने इतना कम क्यों छोड़ दिया, मतलब इतना एचपी किस लिए छोड़ दिया स्टैम्पोर्ड के बच्चे तूने उसका मतलब या। ओके अब आखिरी क्रू भाई साहब उस लौंडे का, मेरे को पता नहीं हम लोग मेंटा सिटी कब पहुँचेंगे, मतलब इन लोग तो जान ही नहीं दे रहे, और ये उसी का एवोल्यूशन है मेडरी कैट। ओके इसका नाम थोड़ा सही है मतलब कहे तो, मतलब पढ़ने में आसानी हो रही है, शैडो फॉल बार बार सेम अटैक, भाई उसका पहले एवोल्यूशन को भी यही अटैक आता था और इसको भी यही अटैक आता है, क्या कोई और अटैक नहीं आता इन लोग को मतलब या। ओके मैस ग्रेव आई थिंक सो उससे काम इसका हो जाना चाहिए। मास ग्रेव मार दे भाई प्लीज, मैं देखता हूँ कि कितना डैमेज हो रहा है, 39 का, क्या ही डैमेज हुआ मतलब क्या ही डैमेज हुआ भाई, ये कितना भी तुम इसमें लेवल अप कर लो ना, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा लेवल अप करके, लिटरली कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं लेवल अप कर लूँ तो उन लोग को हराने में ज़्यादा आसानी होगी, फिर मैं फटाफट स्टोरी में आगे बढ़ पाऊँगा, बट भाई इस गेम में जितना भी तुम लेवल अप करो कोई कोई काम का ही नहीं लेवल अप है, क्योंकि सामने वाला भाई तुम्हारी वाट लगा उतना ही डैमेज होता है उसको, कुछ वो तो डैमेज नाम का कुछ होता ही नहीं है, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इस चीज़ से, मतलब क्या ही बोल रहा, इतना ज़्यादा मैं लेवल अप अपने आप को कर लिया फिर भी उसको कुछ खास डैमेज हो ही नहीं रहा है, मतलब देख रहे हो उसका अभी अभी मैं देखूँ उसका लेवल तो 42 लेवल का और मैं 55 लेवल का हूँ, उससे कम से कम मैं बोले तो 8 और 5 मैं उससे 13 लेवल ज़्यादा हूँ, 8 5 6 13 ही होगा, हाँ 13 लेवल उससे ज़्यादा हूँ, फिर भी कुछ खास डैमेज हो ही नहीं रहा है। ओके तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा फर्स्ट्रेट हो जाता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आने लग जाता है कि क्या मजाक चल रहा है भाई ये इस गेम में, मतलब तुम्हारा कितना भी लेवल हो जाए सामने वाले को डैमेज ही नहीं पड़ता यार, मतलब कुछ भी भाई कुछ भी यार, ये मेरे को ये सिस्टम समझ नहीं आया इस गेम का, मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ आया। ओके 56 लेवल हो गया भाई स्टैम्पोर्ट, बट लेवल का कोई मतलब नहीं, बिकॉज तुम्हारा कोई मतलब नहीं है लेवल अप करके, इसमें सामने वाले को तो उतना ही डैमेज होगा। ओके
ओके ये पावर रेंजर्स है क्या? ओ जॉय वेर आर यू माई सन, ओके तो तुम जॉय वेर आर यू, ओके तो मेरे बेटे तुम किधर हो? आई डोंट इवन नो वेर यू आर, वॉट डू यू डूइंग, ओके तो मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो और तुम आखिर कर क्या रहे हो। वॉट आर यू प्लान, क्या प्लानिंग राइट नाउ? वॉट आर यू थिंकिंग? डू यू इवन रिमेंबर मी? ओके तो तुम्हारा आखिर प्लान क्या है और तुम आखिर करने वाले क्या हो? तुम मुझे, मैं तुम्हें याद हूँ? यंग टेमर आई ऑल्सो हैड लॉट ऑफ क्या एम्बिशंस लाइक यू, बट नाउ क्रिसलिस्ट्री दैट हैव मल्टीप्लाइड। लेट मी शो यू द पावर ऑफ माइंड फॉर जॉय। क्या जे व्हाट द हैक, ये क्या कह गया भाई साहब? ये किससे बात कर रहा था पहले ये मेरे को बताओ, मतलब क्या ये किससे बात कर रहा था भाई? ये पागल वागल तो नहीं है? मतलब यह हो सकता है, तब उसकी हरकतें देख के लग रही थी, बट ठीक है। तो ग्रास टाइप है, अपन भी ग्रास टाइप है, डैमेज के नाम पे कुछ होने वाला है नहीं, तो इसी बात पे मजे लो और क्या ही करें। मतलब या मेरे को सच बोलूँ तो अपने फर्नेस को ज़िंदा कर लेना चाहिए, बिकॉज़ भाई ये बैटल बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा कहीं मैं ऐसे लड़ूंगा तो। सो मैं ज़िंदा कर लेता हूँ, वैसे भी मैंने फिनिक्स ड्रॉप ले रखा है रिवाइव करने के लिए, मुझे पता था ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, सो दैट्स वाई मैंने पहले ये सब खरीद लिया। ओके बिकॉज इन लोग ज़बरदस्ती भाई बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं, जबकि तुम्हारा लेवल कितना भी ज़्यादा हो सामने वाले को कुछ खास डैमेज होता नहीं है। तो या क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ भाई साहब, मैं बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। ओके सो फर्नेस अपना हील हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। सो आई थिंक सो फर्नेस इसकी वाट लगा सकता है, बिकॉज फर्नेस के पास एक अपना अल्टीमेट अटैक आ चुका है प्लस फ्लेम थ्रोअर उसके पास पहले से ही था। तो या ये ग्रास टाइप हमारे सामने मतलब कहें तो इतना ज़्यादा टिकना तो नहीं चाहिए, अब टिक गया भाई तो मेरे को नहीं समझ आएगा कि कैसे टिक गया। सो या कॉन्फिग्रेट, ओके 69 का डैमेज काफ़ी बढ़िया, एक बर्न हो गया, ये सुपर डुपर बढ़िया, मतलब या बर्निंग इफेक्ट काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है इस गेम में, और बाकी की बात ही छोड़ो, मतलब या ओके रेस्परेट वैसे मैंने क्यों किया जबकि मैं फ्लेम थ्रोवर करके इसको मार सकता था, बट ठीक है, बकल रेस्परेट की वजह से मेरा 56% HP घट गया भाई साहब। मतलब या एक गलती तुम्हारी वाट लगा सकता है जैसे मैंने अपनी वाट लगवा ली। ओके इसके पास 6 क्रू है, वाह वाह अच्छी बात है भाई साहब, मैंने अपने आप को हील कर लिया, मतलब या अपने फर्नेस को हील कर लिया, नहीं तो काफ़ी लंबा ये बैटल खींचता, लिटरली काफ़ी लंबा खींच जाता। ओके तो इसको आई थिंक सो अपना स्टैम्प पॉट संभाल लेगा, बिकॉज वो वाटर टाइप है और अपना ग्रास टाइप है, तो संभाल तो लेना चाहिए। पहले स्किन सेट करते हैं बिकॉज अपना HP काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। ओके लेट्स गो। ओके अगला मैस ग्रेव, आई थिंक सो मैस ग्रेव से काम हो तो जाना चाहिए मेरे को जहाँ तक लगता है, पहले ये अटैक मार दे, वैसे तो इसके ऊपर मेरे को भरोसा ही नहीं रहता कि अटैक मारेगा, बट ठीक है चलो भाई साहब अच्छी बात है अटैक मार दिया। ये 41 का डैमेज, ये डैमेज ही कहाँ देता है भाई, अटैक मार भी दे तो डैमेज ही कहाँ देता है, मैं भूल क्यों जाता हूँ कि इसका डैमेज ना के बराबर किसी को भी लगता है, मतलब उसके सामने ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ग्रास्ट अटैक, बट फिर भी सामने वाले को डैमेज ही नहीं होता भाई, क्या बोलना है यार, डैमेज ही नहीं होता, मेरे को रोना आ रहा है सर, लिटरली रोना आ रहा है, क्या ही बोलूँ, सामने वाले को डैमेज ही नहीं हो रहा यार। ओके नट क्रैकर देख रहे हो, अल्टीमेट से ज़्यादा नट क्रैकर डैमेज दे रहा है यार, क्या बोलूँ मैं, 62 का डैमेज दिया यार अल्टीमेट 41 का, सही मेरे को रोना आ रहा है। तो कुछ भी होता है इस गेम में, कुछ भी, ये अटैक का मेरे को इसका सिस्टम बिल्कुल नहीं समझ आया, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल नहीं अटैक का सिस्टम समझ आया, मतलब भाई मैं अल्टीमेट अटैक कर रहा हूँ यार, अल्टीमेट डैमेज नहीं दे रहा है, नॉर्मल अटैक डैमेज दे रही, ये कौन सा सेंस है, कहाँ का सेंस है भाई, ये गेम बनाने वाले क्या सोच के गेम बनाए थे, तो कुछ भी। और एक तो इन लोग अपडेट भी नहीं ला रहे गेम में कि हाँ भाई सब अपडेट लाऊं, जो भी गड़बड़ी है वो सब फिक्स करूं, भाई इस गेम में कितने सारे ग्लीचेज हैं, लिटरली बहुत सारे ग्लीचेज हैं, सही मेरे को इस गेम पे रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब एक कंपनी को रिपोर्ट करके लिखना पड़ेगा भाई तुम्हारे गेम में बहुत सारे ग्लीचेज हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करो भाई, मतलब या ओके। सो आई थिंक सो ये है पेवर की पेवर डार्क टाइप, सो डार्क टाइप के ऊपर शायद ग्रास टाइप इफेक्ट होगा शायद। ओके लीफ कैनन, ओके 32 का डैमेज, ठीक है इफेक्ट तो हो रहा है, मतलब कहें तो इफेक्ट हो रहा है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब तक इफेक्ट होगा जब तक अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इफेक्ट नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके सो मैस ग्रेव, ओके मार दे भाई प्लीज़ स्टैम्प आउट, ओके थैंक यू, इससे तो मेरे को उम्मीद नहीं रहती है कि अल्टीमेट मारेगा, दैट्स वाई मेरे को प्लीज़ कहना पड़ता है। ओके रॉक अर्थक्विक मार दे, ओके बहुत बढ़िया, बट 19 का ही डैमेज हुआ, मेरे को समझ नहीं आया डार्क टाइप के ऊपर ग्रास टाइप कैसे इफेक्ट हो रहा है, बट ठीक है हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
वैसे तो होता होगा, मतलब या पोकेमोन में भी डार्क टाइप के ऊपर ग्रास टाइप अटैक इफेक्ट होता है, तो या कह सकते हैं। ओके अगला कौन है भाई इसका? अगला देखा जाए स्क्वीरेन। ओके तो ये बंदा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बट ये नॉर्मल टाइप है तो हमारा अटैक भी उसको कुछ खास डैमेज नहीं देगा, सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब या कह सकते हैं। ओके भाई मैं अटैक क्यों नहीं मार पा रहा? ये क्या डेस्परेट स्ट्राइक क्या है? कौन सा अटैक है भाई? मेरा अटैक क्यों नहीं पड़ रहा है? ओके ये पता नहीं क्या हो गया था मेरा, मतलब बोले तो क्रू अपने आप ही अटैक किए जा रहा था, मतलब मैं सेट ही नहीं कर रहा हूँ डेस्परेट स्ट्राइक नाम का, मेरे पास कोई अटैक ही नहीं है फिर भी हो रहा था। आई थिंक सो कोई अटैक तुम्हारा चार्ज नहीं होता तब ऐसा अटैक वो मारता है, मतलब हो सकता है, मतलब पोकेमोन में भी होता है जब तुम्हारा सारा कि सारा वो क्या बोलते हैं पीपी ख़त्म हो जाता है तो वो अजीब ही अटैक स्विगल नाम का मारता है। सो या ओके अर्थक्विक लेट्स गो भाई, हार जा भाई, थैंक यू। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि 22 का डैमेज देगा, मुझे लगा 1-2 का डैमेज देगा, बट ठीक है। तो आप उन वर्जन 3 से लड़ने वाले भाई, ये हर तरह का वर्जन पकड़ रखा है, मतलब या ओके मैस ग्रेव लेट्स गो, बहुत ही बढ़िया। तभी आप उम्मीद तो रहती नहीं है, तो इसलिए मैं मैस ग्रेव पे इतने ज़्यादा खुश होता नहीं, बिकॉज ये हर अटैक मैक्सिमम मिस कर देता है। सो या इससे ऊपर अब मेरे को उम्मीद नहीं है, अब ये चाहे इसको हराए चाहे ना हराए, मैं सिर्फ अटैक करने वाला हूँ, और ये बंदे ने हरा दिया पता नहीं कैसे, मतलब या चलो। सो आप ने फाइनली जॉय को हरा दिया हूँ। ओके 1450 रुपया, वेल वी ऑल लॉस्ट। ओके तो हम सब कुछ हार गए। डज नॉट मैटर हु आर यू, ओके तो कोई मतलब नहीं तुम कौन हो। टू लूज, ओके तो मैं हार गया। टू लर्न, ओके तो सीखने के लिए। द प्रोसेस ऑफ क्या? फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। है तो मेरे को जो अभी तक फ्रस्ट्रेशन हुआ इसका मतलब मैं सीख रहा हूँ? व्हाट द हैक, कैसे कैसे बेवकूफ़ वाली बात करते हैं यार इन लोग। अ ट्रेनिंग यू हैव बी क्या बीटिंग मी, ओके तो एक ट्रेनिंग तुमने मुझे हरा दिया। सो टेक दिस योर फ्रॉम द जर्नी, ओके तो तुम इसे लो अपने जर्नी में। क्या दिया इसने? शार्क टैंक कुछ तो दिया। आई होप वी मीट अगेन, ओके तो हम शायद दोबारा मिलेंगे। उसने वैसे दिया क्या मेरे को? मैंने फोकस नहीं किया। बैग में होगा शायद से। ओके क्या ये दिया क्या इसने? द बॉटल फील्ड विद द मैस अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्रेट रिगेन ऑफ मिरर। व्हाट द हेक ये क्या है? मतलब ये आई डोंट नो ये क्या है, बट ठीक है अपने को दिया है तो कुछ काम का ही होगा। ओके क्या रफ पार्टनर जिम, आई डोंट नो। इसमें बहुत सारी चीज़ें अजीबो गरीब हैं जो मेरे को एक्चुअल में अभी तक नहीं पता, बट आप उन धीरे धीरे जैसे एक्सप्लोर करेंगे वैसे पता चलते जाएगा। और ये भाई साहब चारों तरफ लावा, व्हाट द हेक। ओके मेरे पास लावा सफर है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेलकम टू क्या? मेंटल बर्थ टू डोंट ब्रीथ टू मच एज एस यू फॉल इन टू लावा। ओके तो आई थिंक सो अपन पहुंच गए मेरे को जहां तक लगता है, मतलब यार एक बार मैं इस साइड चेक कर लूँ, यहाँ कोई और अलग चीज़ अपने को देखने को मिल गया तो, मतलब यह हो सकता है। ओके तो यहाँ आइवन का बच्चा है, मतलब ये कहें तो वो वाला, और ये कहाँ जाता है? हॉट हॉट इंटर दूधा क्या? फॉर्लिंग वर्न कह लो। ओके तो ये वॉलकैनो की तरफ जाता है, और ये आई थिंक सो इधर भी क्या अपने को कोई क्रू मिलेगा फ्री में, मतलब लग तो रहा है। बी केयरफुल क्या? वर्ल्ड पोशल लाइक बी टू बाइट, ओके तो ध्यान से रहना वर्ल्ड पोशल तुम्हें काट लेगा, ये कहना क्या चाहता है? ओके वाह भाई साहब, डेडोर का यहाँ एवोल्यूशन मिल रहा है, वाह भाई साहब, मतलब क्या ही बोलना इसमें, कोई मतलब ही नहीं है। ओके सो यहाँ भी एक क्रू मिलेगा। फार्मर हूँ, यू थिंक यू जस्ट यू आर फ्री क्या? वॉल पिसल, ओके तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें फ्री में क्या वॉल पिसल दे देंगे? नो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग हियर यू नीड टू डू समथिंग फॉर अस रिटर्न। ओके तो तुम्हें कुछ चाहिए इधर तो तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा पहले। वी सेंड वन ऑफ द क्या वर्कर इन अ क्या फल्कन वेलकैनो टू डिग सम क्या जेमा एंड अ फ्यू डेज अगो बट ही वॉज नॉट रिटर्न। ओके तो हम लोग ने मतलब कहें तो इसको मतलब फॉल्कन वॉल्केनो में अपने एक वर्कर को भेजा था जेमा कलेक्ट करने के लिए, बट वो अभी तक रिटर्न नहीं आया। नोइंग हिम अ प्रॉबली गॉट लॉस्ट नीड टू गो एंड फाइंड हिम फॉर अस। ओके तो वो पक्का भूल गया होगा और तुम जाके उसे ढूंढ के लेके आ जाओ हमारे लिए। इफ़ यू डू दिस वी विल गिव यू वन ऑफ आवर वेल पोसल। ओके तो तुम कहीं ये कर दिए तो हम तुम्हें वेल पोसल दे देंगे। वाह भाई साहब क्या टास्क है, मतलब क्या बात है, क्या ही बोलना कुछ भी। सो या सो क्या करते हैं आज का एपिसोड इधर ही एंड करते भाई साहब, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया यार,
लिटरली भाई डैमेज ही नहीं हो रहा था सामने वाले को कुछ भी। सो या तुम्हारा लेवल अप करके कोई फायदा नहीं, तो मेहनत मत करो लेवल अप पे, मतलब कोई मतलब नहीं है लेवल अप का, सचमुच कोई नहीं मतलब है। सो या सो आई होप ये एपिसोड तुम लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक मार देना, चैनल पे नए आए हो और ऐसे ही एपिसोड्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना। तो आज के एपिसोड में बस इतने, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।